Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is my first ever official video after getting married. I don't know, मैं जब भी ऐसे बोलती हूँ मैं ऐसे ऐसे करने लग जाती हूँ. But yeah, new setup, new life, new beginnings. ये मेरा first ever set and talk review होने वाला है after my marriage. Finally, मैंने rest ले लिया. Marriage के एक वीक बाद मैंने rest लिया and I'm back to work now, feeling really, really nice. So क्या हुआ ना, शादी के time बहुत सारे function थे और हर function में मैंने कोई ना कोई different hairstyle कराया था. अगर आप मुझे Instagram पर नहीं follow करते आपको नहीं पता होगा. YouTube पर मैंने बहुत ग्लिम्सेस डाली हैं. सो हर फंक्शन में किसी में कर्ल्स हुए थे, किसी में बन बना था, किसी में मैंने बाल स्ट्रेट करे थे, एक में मैंने अलग से एक्सटेंशन भी लगाए थे, फिर उसके ऊपर भी कर्ल्स हुए थे. और ये जितने भी हेयर स्टाइलिंग होते हैं ना, इसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई की जाती है बालों पर. एंड मैक्सिमम केस में वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ ही नहीं करते. मैंने हर बार नोटिस किया किसी ने भी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ नहीं किया और ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं. उसके बाद जो बैक कॉम्बिंग करी जाती है उसके लिए पाउडर डाला जाता है. वो पाउडर भी बहुत ज़्यादा स्कैल्प को एकदम ब्लॉक कर देता है, कंजेस्टेड फील होता है. काफ़ी बार स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के आ जाता है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, हेयर ब्रेकेज होता है, हेयर डैमेज होता है, बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग की वजह से बाल जल जाते हैं, स्कैल्प में कंजेशन होता है, हर कोई यही सजेशन देता है ऑयलिंग करो, चंपी करो. जितने अच्छे से चंपी करोगे आपके बाल दोबारा उसमें एक जान आ जाती है. और हर कोई ना कोई ऑयल के सजेशन देता रहता है, कोकोनट ऑयल लगाओ, ये वाला ऑयल लगाओ, वो वाला ऑयल लगाओ. एंड ट्रस्ट मी, आपको इतने सारे ऑयल्स देने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड वन सिंगल गुड क्वालिटी हेयर ऑयल. और ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट. ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, बाय द वे दिस इज नॉट समथिंग न्यू. ये है केश रूट का हेयर ऑयल. लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कम्स इन अ सुपर कन्वीनियंट पैकेजिंग जैसे कोम स्टाइल में आती है. इसमें आपको मिलता है ब्लेंड ऑफ 11 ऑयल्स, तो आपको बहुत सारे ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है. यहीं से ही एक ऑयल निकलेगा और आपको मल्टीपल ऑयल्स के बेनिफिट देगा. सो इसके बाद एक लिड आती है, आपको उसको रिमूव करके इस कॉम स्टाइल लिड को अप्लाई करना है. एंड दिस इज सुपर 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 कन्वीनियंट. काफ़ी बार जब हम ऑयलिंग नॉर्मल ऑयल से करते हैं ना, ऐसे डालते हैं फिर वो अप्लाई करते हैं, सारे को गिर जाता है, मेसी हो जाता है और स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता है. वेयर एज दिस कोम स्टाइल पैकेजिंग इज रियली कन्वीनियंट. आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा प्रेशर देना और ऐसे अप्लाई करना है. इससे जो ऑयल निकलता है ना, वो काफ़ी परफेक्ट अमाउंट में निकलता है, तो आपको अननेसेसरी ज़्यादा स्पेलेज भी नहीं होती, इधर उधर ऑयल गिरता भी नहीं है और अच्छे से एक एक एरिया में आपके रूट में जाता है. सो डेफिनेटली द पैकेजिंग इज रियली रियली कन्वीनियंट. लेट्स टॉक अबाउट इंग्रीडियंट्स इन दिस ऑयल. जैसे कि मैंने कहा था, इस ऑयल में आपको भरमार मिलती है बहुत सारे ऑयल की. सो सबसे पहले है इसमें सेसमे ऑयल, जो आपको 15% के अराउंड मिलता है, जो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है. यूजुअल जो आप मार्केट में दूसरे ऑयल्स देखोगे वो 5-7% होते हैं और वो इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेसमे ऑयल मिलता है जो बहुत अच्छा होता है. इफ़ यू डोंट नो, सेसमे ऑयल जो होता है उसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है जो बहुत अच्छे से नरिश करता है रूट्स को. इसमें कोकोनट ऑयल भी है जो प्रिवेंट करता है ड्राई फ्लेकी जो भी इची वाली स्कैल्प होती है उसको रिमूव करता है. देन इसमें वॉलनट ऑयल है जो रिच है पोटेशियम में, जो एक्सेलरेट करता है हेयर ग्रोथ को. देन इसमें कैस्टर ऑयल भी है जो एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, अगेन हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है. ब्लैक सीड ऑयल है, आमला ऑयल है, मैच्योर ग्रेइंग होनी शुरू हो जाती है ना, उसको भी कम करने में हेल्प करता है. इसके अलावा इसमें है हिना ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेमन ऑयल, नीम ऑयल. लेमन एंड नीम ऑयल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं. अगर आपको इचीनेस की प्रॉब्लम है, फंगल इशू हो गया स्कैल्प में, तो ये दोनों ऑयल बहुत अच्छे से फाइट करते हैं. सो ओवरऑल जिसमें ऑयल्स का ब्लेंड है ना, वो एकदम परफेक्ट है. आप इसको ऑल सीजन में अप्लाई कर सकते हो. ऐसा नहीं है खाली सर्दियों में यूज करना है, गर्मियों में यूज करना है. दिस इज लिटरली लाइक एन ऑल सीजन ऑयल. सो एप्लीकेशन आपने देख ही लिया कितना ईजी है इसको लगाना, है एकदम मेस फ्री है. एंड द बेस्ट पार्ट है, इसको लगाने के बाद एक अच्छी कूलिंग सेंसेशन फील होती है. जो भी हेड एक एंड ऑल होता है वो भी चला जाता है, बिकॉज इसमें जो एक दो ऑयल्स है वो काफ़ी अच्छी ठंडक देते हैं, आपकी स्कैल्प को एक नरिशमेंट भी मिलती है. सो खाली ऑयलिंग नहीं करनी, उसके बाद अच्छे से हेयर मसाज भी किया करो. मसाजिंग भी बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑयल इज ये बहुत अच्छे से रिमूव भी हो जाता है. एक अच्छे ऑयल का यही टेस्ट होता है कि वो कितने ईजिली रिमूव हो रहा है. जो लोकल क्वालिटी के ऑयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है. ये वन सिंगल वॉश में भी ईजिली रिमूव हो जाता है. सो रियली नाइस. मुझे पर्सनली वो थिक वाले ऑयल पसंद नहीं है, सो उसके हिसाब से भी ये डेफिनेटली मेरा फेवरेट है. बाय द वे, मैंने कल भी ये यूज़ किया था. मैंने इसको सुबह ऑयल किया था और 3-4 घंटे बाद शैम्पू कर लिया था. एंड दिस इज द रिजल्ट. आई एम लविंग माई हेयर फाइनली आफ्टर 2 वीक ऑफ डैमेज. अब थोड़ी थोड़ी जान आनी शुरू हो गई है मेरे बालों में, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे अब चंपी करती हूँ, उसके बाद ही अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो बाल काफ़ी हेल्दी और शाइनी लगते हैं. यू कैन सी अब काफ़ी अच्छी सी बाउंस भी आ रही है जो शादी के बाद नहीं आती. शादी के नेक्स्ट वीक तक तो बाल एकदम जल गए थे, एकदम बहुत अजीब लग रहे थे. सो डेफिनेटली इसने मेरे बालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिए. सो यू कैन ऑल्सो चेक इट फॉर योर सेल्फ. सो केश रूट का ब्लेंड ऑफ 11 ऑयल्स डेफिनेटली आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा, खाली बाहर बाहर से नहीं. बहुत सारी ब्रांड्स बोलती हैं हमारा ऑयल बालों को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है, बट ऐसा नहीं होता. खाली अपने बालों को शाइनी सिल्की नहीं बनाना, जड़ों से उसको मजबूत बनाना है, बिकॉज रूट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. रूट्स से अच्छी ग्रोथ आएगी तो आपके बाल अल्टीमेटली अच्छे भी लगेंगे, वॉल्यूमिनस भी लगेंगे. सो ये डेफिनेटली ऑयल उस केस में वर्क करता है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड द
बेस्ट पार्ट है इसमें वो वाली गंदी वाली स्मेल नहीं है. मैंने सबसे पहले यही चेक किया था, ट्रस्ट में जब ये रिसीव हुआ था ना मैंने यही स्निफ करके देखा था, बिकॉज बहुत सारे जो इंडियन ऑयल्स आते हैं जो बहुत सारे ऐसे मिक्स वाले आते हैं उसमें थोड़ी सी अजीब खुशबू आती है, बट ट्रस्ट में इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. इट्स नॉट दैट पंजेंट वाली स्मेल. सो अगर आपको वो स्मेल वाला इशू भी है तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें काफ़ी अच्छी एक हर्बल खुशबू आती है. दिस 100% नेचुरल. इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, इसका प्राइस है 170 rupees फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट. काफ़ी अच्छा पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है. डू चेक आउट फॉर योरसेल्फ, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक करना. परचेज करना हो तो परचेज भी कर लेना, एंड अगर आपने अभी तक यूज़ किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फॉर नाउ दैट इज इट फॉर माय टुडेज वीडियो. आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो. ऐसे रिव्यूज और देखने नहीं देखने, अगर कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी बता देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए करूंगी. एंड फॉर नाउ बाय बाय.